एम आई टी से मेरे को कॉल आया था जी टी इंटरव्यू क्या बढ़िया पेंट हाउस बना रखा है वे बंदे ने वेदर आप नेटवर्किंग के कोर्स में जा रहे हो मास्टर्स के कोर्स में जा रहे हो आप करने वाले हैं GTE इंटरव्यू के बारे में बहुत सारे लोगों के आ रहे थे कि कि काफी अनक्लियर है इंटरव्यू को और बहुत सारे लोग नर्वस भी हो जाते हैं के यार कोई बहुत ही भारी इंटरव्यू है या क्या प्रोसेस है टू सिक्योरिंग योर वीजा एंड एप्लीकेशन फॉर एनी कॉलेज जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो उससे पहले जीटी इंटरव्यू देना पड़ता है जिसके बाद इफ आर सक्सेसफुल देन यू कैन गेट योर ऑफर लेटर एंड वीजा तो क्या करना पड़ता है क्या टेक्निकलिटीज़ हैं क्या स्टेप्स हैं और क्या फॉलो करना चाहिए आई एम गोना वॉक यू थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप ना जी इंटरव्यू स्टैंड फॉर ग्रैंड ऑटो जस्ट केडिंग So GTE stands for General Temporary Entrant. Now I'm going to highlight the importance of GTE interview. ये क्यों जरूरी होता है और किसलिए आपको ये देना पड़ता है? First point, understanding what GTE is. GTE interview हर college या किसी भी आप university में admission लेते हो तो उससे पहले, before you कैन प्रोसेस योर वीजा एप्लीकेशन आपको कॉलेज की कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इज क्लियरिंग द जी टी ई इंटरव्यू इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि आपको ना ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है कि आप क्यों आना चाहते हो? आप, चाहते, हो? आप चाहते हो आप क्या करना चाहते हो और आपको हाउ वुड दिस कोर्स सर्व योर पर्पस हाउ गेटिंग दिस एजुकेशन विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर तो एक छोटी सी एक एस ओ पी कहते हैं जिसको स्टेटमेंट ऑफ जो कि हर स्टूडेंट को लिखनी होती है जिस भी आप वेदर आप नेटवर्किंग के कोर्स में जा रहे हो मास्टर्स के कोर्स में जा रहे हो बैचलर्स के कोर्स में जा रहे हो या अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आ रहे हो दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस विच इज पार्ट वन ऑफ राइटिंग योर एसओपी जी टी ई जो आप फॉरवर्ड करते हो इसके अंदर बेसिकली आप मैंशन करते हो कि आपने क्या पढ़ाई कर रखी है अब सही है इसके अंदर आप मेंशन करते हो बेसिकली आपने क्या पढ़ाई कर रखी है आपके क्या क्वालिफिकेशन आपका बैकग्राउंड क्या है और आप इस कोर्स में क्यों एडमिशन लेना चाहते हो इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आपका क्या प्लान है आप कितने टाइम तक ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहते हो आप वहां पे जॉब करना चाहते हो या वट आर यूर ड्रीम्स वट आर यू एस्पिशंस सो वन वे टू अचीव दिस इज बी ट्रांसपेरेंट यू नो जस्ट टेल देम वॉट यू वॉन्ट जस्ट राइट वट यू फील इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू नो वट इज़ इम्पॉर्टेंट आप एक्चुअली में बाहर क्या करने आ रहे हो इन माई केस एम आई टी में जब मैंने अपना एस ओ पी लिखा था दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ तो उसके अंदर मैंने मैंशन करा था कि मेरा जो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स है जो मैं कोर्स परस्यू कर रहा हूँ वो मैं क्यों करना चाहता हूँ मेरा बैकग्राउंड क्या है अगर मेरा पहले भी बैकग्राउंड आई टी में था तो दैट्स वाई मैं उसको एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहता हूँ एंड प्रॉब्ली टू सिक्योर अ गुड जॉब इन अ गुड आई टी इंडस्ट्री एनवायरमेंट टू स्केल माई सेल्फ अप टू सक्सेस एंड प्रोग्रेस इन माई लाइफ सो एक ब्रीफ स्टेटमेंट मैंने ड्राफ्ट करी थी और उसके अंदर मैंने मैंशन करा था कि आपके आपका बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है आपने कैसी ऐसी क्या कौन सी ऐसी स्किल्स अचीव करी हैं तो basically, it's like an elaborated resume of yours that you are giving out there to the college so that they can judge whether you are an eligible candidate for the application or not. now, moving on to part two, which is when to expect the gte interview. gte interview, tab hota hai when you have a provisional offer letter in your hand, but before your visa application. uske beach this is the final stage before securing your visa application. कुछ तीन दिन से लेके एक हफ्ते के टाइमलाइन के बीच में आपका जी टी इंटरव्यू स्कड्यूल कर सकते हैं हो सकता है कुछ केसेस में कुछ डिलेज़ के कारण वो एक हफ्ते से थोड़ा सा और डिले हो सकता है बट ये होता ज़रूर है विच इज़ अ यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट ये यूजुअली एकेडमिक बोर्ड के रिव्यूअर्स में से कोई आपको कॉल करेगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करा है फॉर इन फॉर इंस्टेंस इन माई केस एम से मेरे को कॉल आया था जी इंटरव्यू के लिए एंड वो मेरा हुआ था तीसरे या चौथे दिन पे आफ्टर आई गॉट माई प्रोविजनल ऑफर लेटर फॉर मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स नाउ यू नीड टू इम्फोसाइज इनफ ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ जी टी इंटरव्यू क्योंकि ये एक लास्ट स्टेप है आपके वीजा एप्लीकेशन से पहले और यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं वो ये हैं कि फर्स्ट यू हैव टू स्टिक टू योर एस ओ पी विच एज स्टेटमेंट ऑफ पर्पज जो आप कॉलेज को सबमिट करोगे अपनी एप्लीकेशन के साथ उसमें जो भी चीजें आपने मैंशन करनी है यू हैव टू बी प्रो एक्टिव एंड यू हैव टू स्टिक टू द स्क्रिप्ट बेसिकली आपने जितना भी अपनी एस ओ पी में लिखा है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लो रट लो ताकि आपका कॉल आए तो कुछ भी आप एक भी चीज अलग ना बोलो ताकि उनको लगे कि यार उसमें तो कुछ और लिखा हुआ है और ये फोन पे कुछ और बोल रहा है सो नो वट यूर सेग सेड साउंड कॉन्फिडेंट इफ़ यू साउंड कॉन्फिडेंट एंड इफ यू स्टिक टू योर स्क्रिप्ट ऑफ वट एवर यू रोट इन योर एस ओ पी देन यू हैव अ हायर चांस ऑफ क्लियरिंग जी टी इंटरव्यू विथ फ्लाइंग कलर्स ज़्यादा कोई भारी काम नहीं है कोई इतना बड़ा कोई डिलॉयड गूगल या एक्सेंचर uh, का इंटरव्यू नहीं है जिसके अंदर आप घबरा जाओगे कि यार पता नहीं क्या पूछ लेंगे मेरे से सिंपल सीधा साधा जो आपके कोर्स से रिलेटेड होगा सिर्फ वही पूछेंगे एंड आपको बेसिकली उन्हें कन्विंस करना है कि यस यू आर एन एस्पायरिंग स्टूडेंट आप वहां पे आके पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हो और उसके बाद यू वन अ प्रॉब्ली लैंड योर जॉब अगर आपको जॉब नहीं चाहिए तो आप वापस अपनी कंट्री जाके वट एवर यू वॉन्ट डू बेसिकली सो मेक श्योर यू आर प्रिपेयर फॉर दैट पार्ट जब भी वो आपको कॉल करें अपनी एस ओ पी पहले से पढ़ के रखना बी प्रोएक्टिव बी कॉन्फिडेंट एंड स्पीक फ्रॉम योर हार्ट नाउ जी टी इंटरव्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज टू चेक द फाइनेंशियल केपेबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स टू कवर द एक्सपेंस ऑफ होल एजुकेशन एंड द सेकेंड पार्ट बींग टू चेक स्टूडेंट्स केपेबिलिटीज फॉर हायर एजुकेशन इसमें यूजुअली क्या होता है कि वो ये देखना चाहते हैं बेसिकली कि स्टूडेंट कितना सीरियस है स्टडीज़ को लेके और वो उसको कितना पता है और क्या वो इस लायक है कि वो बाहर आके पढ़ाई कर सके कर सकता है या नहीं कर सकता तो पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं पहला पार्ट जो है बेसिकली टू चेक पेरेंट्स एबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन उसके अंदर कुछ चीज़ें जो आ जाती है पहली आती है एजुकेशन फ़ी कि क्या आपके पेरेंट्स या क्या आप पूरा अपना जो कोर्स फी है और जो कोर्स स्ट्रक्चर है बाय एंड ऑफ योर स्टडीज क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हैं नाउ विद दैट बीइंग सेड सेकंड थिंग जो आती है फाइनेंशियल आपका ओ एच एस सी जो कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है जो हर किसी को करवाना पड़ता है यहां पर आने से पहले और तीसरी चीज जो होती है वो होता है आपका लिविंग एक्सपेंस जो कवर होता है जो कि अब बढ़ के चौबीस हजार समथिंग uh, डॉलर्स हो गया है पहले थोड़ा सा कम था लेकिन अब वो उन्होंने बढ़ा दिया है एग्जैक्ट फिगर मैं अभी आपको एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगा देख के ठीक है तो ये चीज़ें होती हैं ये फाइनेंशियल पार्ट के अंदर जो आ जाते हैं आपके पेरेंट्स के एसेट्स आपके फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज और क्या आप फीस पे कर सकते हैं क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं पूरी एजुकेशन की फ़ी उसके बाद सेकंड पार्ट में आते हैं हम स्टूडेंट वाले पार्ट में स्टूडेंट पार्ट के अंदर आ जाता है कि स्टूडेंट को कितना पता है कोर्स के बारे में जब भी वो इंटरव्यू के जब भी वो फ़ोन पे इंटरव्यू लेंगे आपसे ये पूछने की कोशिश करेंगे बातों बातों में कि आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं कि क्या आप कितने सीरियस है उस कोर्स को लेके तो आपको डिटेल्ड में अपने सब्जेक्ट्स अपने कोर यूनिट्स अपनी लेंथ ऑफ द कोर्स और आपके क्या मार्किंग क्राइटेरियाज़ हैं ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यू शुड नॉट बी यू शुड नॉट साउंड ब्लैंक क्या उनका फोन आया जी पता नहीं चार सब्जेक्ट हैं नहीं शायद पांच हैं डोंट डू दैट हो सकता है कि वो आपको फेल कर दें अगर आप कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करेंगे एंड वंस दिस केपेबिलिटी इज आ चेक्ट देन ओनली यू आर अलाउड टू पे द यूनिवर्सिटी फीस और तब जाके आपको सी ओई इश्यू होता है विच इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट और तब वो आपको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर भेजेंगे और पेमेंट लिंक भेजेंगे दैट यू कैन प्रोसीड विथ पेमेंट ऑफ फी जिसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करना शुरू करेंगे नाउ मूविंग ऑन टू दर्ड पार्ट दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर यू जी टी ई इंटरव्यू रिसर्च या कोर्स

और मैं किस बारे में बोलना है सो आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर थिंग्स अनदर प्रो टिप टाई योर फ्यूचर प्लान टू योर होम कंट्री टेल दम हाउ गेटिंग दिस एजुकेशन फ्रॉम दिस कंट्री विल हेल्प यू अचीव योर फ्यूचर गोल्स जो भी आपको एजुकेशन आप यहां पे अब्रॉड में आके ऑस्ट्रेलिया में आके आप अचीव करते हो जो भी एजुकेशन आप लेते हो वो आगे फ्यूचर में जाके वो एक्सपीरियंस जब आप अपने कंट्री वापस जाओगे तो हाउ इट विल हेल्प यू ग्रो एंड प्रोग्रेस इन योर फ्यूचर नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट ऑफ जीटी इंटरव्यू व्हिच इज़ सम ऑफ द कॉमन जीटी इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे कौन से कॉमन जी इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो आप पहले से ध्यान में रख सकते हो या प्रिपेयर कर सकते हो नंबर वन बींग वाई डिड यू चूज एम और वाई डिड यू चूज वट एवर कॉलेज दैट यू आर अपलाइंग फॉर आपने वो क्यों चूज करा है सो मेक श्योर यू नो द आंसर मेक श्योर यू प्रिपेयर द आंसर इन एडवांस सेकेंड क्वेश्चन बींग हाउ डज योर चूज इन कोर्स अलाइन विद योर गोल्स आपने जो भी कोर्स चूज करा है वो आगे जाके आपके फ्यूचर प्लान्स में या आपके फ्यूचर को किस तरीके से एडअप करने वाला है किस तरीके से हेल्प करने वाला है तो आप और ये स्पेसिफिक कोर्स क्यों चूज करना चाहते हो third question what are your intentions after completing this course whether you would you want to stay up australia mein rehna chahte ho ya aap wapas jana chahte ho ya aap kya karna chahte ho meri advice agar personal opinion loge so play it safe and by playing safe i mean tell them that you want to go back to your country aap wahan pe nahi rehna chahte ho and आपको वैसे भी post study work visa मिल मिलेगा ही मिलेगा जो तीन साल चार साल डिपेंडिंग अपॉन वट एवर कोर्स यू चूज टेल देम दैट आप यहां पर आके नहीं बसने वाले आप अपना कोर्स खत्म करोगे रेलिवेंट एक्सपीरियंस लोग जी डी पी और वहां जाके आप प्रोग्रेस करना चाहते हो एंड यू वॉन्ट टू बेसिकली प्रोग्रेस इन योर ओन कंट्री ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेक श्योर यू मैं दिस एंड लास्ट क्वेश्चन हाउ डज स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया विल बेनिफिट यू इन योर फ्यूचर योर होम कंट्री ऑस्ट्रेलिया में आके ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में आके एजुकेशन क्यों लेना चाहते हो आप कैनेडा क्यों नहीं जा रहे आप यूएस क्यों नहीं जा रहे आप यूरोप क्यों नहीं जा रहे जर्मनी क्यों नहीं जा रहे बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे कोर्सेस बहुत सारे अलग कंट्रीज में है तो आप स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहते हो और ऑस्ट्रेलिया में आके ही पढ़ाई क्यों करना चाहते हो ये कुछ जनरल क्वेश्चन है जो आपको पहले से तैयारी करके रखनी है और मेक श्योर sure आप हेजिडेंट ना हो दैट्स वाई आई एम एम्फोसाइजिंग ऑन बींग प्रो एक्टिव एंड बींग कॉन्फिडेंट दैट ओनली कम्स विथ प्रिपरेशन अगर आप प्रिपेयर हो सो यू कैन टैकल एनी ऑब्सटिकल एंड जी टी इंटरव्यू तो बहुत छोटी सी चीज है दीज आर द फ्यू पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं जी टी इंटरव्यू को लेके बिफोर यू गेट योर सी ओ ई दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन वीजा फाइल कर पाओगे वंस यू हैव क्लियर द इंटरव्यू यू विल रिसीव अ कॉल यू विल रिसीव द रिजल्ट विद इन फोर्टी एट आवर्स के आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है नाइन्टी नाइन परसेंट केसेज में लोगों का हो जाता है एंड मेक श्योर यू हाई लाइट योर फाइनेंशियल केपेबिलिटीज़ मेक श्योर यू हाई लाइट योर रेलिवेंट एक्सपीरियंस मेक श्योर यू हाई लाइट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस के किस तरीके से आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई करी है किस तरीके से यू आर एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ यू आर एबल टू लर्न न्यू स्किल्स यू आर एबल टू ग्रो योर सेल्फ इन टू अ बेटर पर्सन एंड हाउ इन फ्यूचर बाय गेटिंग इन टू दिस कोर्स बाय कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया यू आर गोइंग टू अनलॉक योर बेस्ट पोटेंशियल इफ यू फील द इंफॉर्मेशन आई शेयर इज यूजफुल टू यू प्लीज डू हिट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलना टू गेट मोर अपडेटेड वीडियोज एंड मोर इन्फॉर्मेशन फॉम मी टिल देन एजी ब्लॉक साइनिंग ऑफ आई विश यू अ गुड डे सी यू मेरे पास भी बहुत काम पड़े हैं अब सारे दिन बैठ के यही वीडियो थोड़ी बनाता रहूँगा शाम को पार्टी जाना है सैटरडे है भैया आज सी यू बाय बाय क्या बढ़िया पेंट हाउस बना रखा है अभी बंदे ने एकदम लुक ही चेंज कर रखी है इसलिए मैं प्लांट्स लेने जा रहा हूँ बिकॉज प्लांट्स मेक यू लुक मोर लाइवली ये भी एक पेंट हाउस प्रॉपर्टी है बट देखो इसके पास प्लांट्स नहीं है तो इसके कितनी खाली लग रही है प्रॉपर्टी बट उसके पास पेंट हाउस है और उसने प्लांट्स लगा रखे हैं उसके कितनी अमेजिंग लग रही है तो एक लाविश लुक तो दे ही देते हैं